ये ले लिया है मोबाइल के लिए स्टैंड जो हम लोगों को साइकिल के ऊपर लगवाना है। मेरी साइकिल के टायर में हवा बहुत कम हो चुकी है और उसमें हवा भी भरवाएंगे। हम लोगों का काम हो चुका है, साइकिल का थोड़ा बहुत काम करवाया भैया से। ये गोदावरी हॉस्टल के पास शॉप है, साइकिल शॉप, बहुत पुरानी शॉप है, पूरा पहले टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग। JNU की एक सबसे कॉमन चीज़ जो हम लोग एक्सेस करते हैं वो है डेली साइकिलिंग। आपको ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के पास मिलेगी। JNU के स्टूडेंट दे इंजॉय राइडिंग बाईसाइकिल इनसाइड द कैंपस। और मैं भी डेली साइकिलिंग करता था, वर्कआउट करता था कैंपस में, तो सोचा यार अगर साइकिलिंग करते ही हैं तो अपने लोगों को भी बता देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग यहाँ से। नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, सलाम अलैकुम टू एवरी वन ऑफ यू। दिस इज़ तारिफ, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अभी हम JNU कैंपस में भाई रिंग रोड के वैसे चक्कर लगा रहे हैं। डिपार्टमेंट बहुत ही खूबसूरत, फिजिक्स का डिपार्टमेंट है ये। लोगों का कहना था कि भाई हमें फिर से एक जनरल वीडियो दिखाई जाए जिसमें डिपार्टमेंट्स वगैरह दिखाए जाएँ। ये स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसिस है, ये हम लोगों का एक न्यू बिल्डिंग बना है SSS, जिसमें CSRD, जोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का आता है। JNU की वॉल्स पे आप लोगों को हमेशा ये चीज़ें मिलेंगी, जैसे लिखा है रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, माई मेमरी कीप्स गेटिंग इन द वे ऑफ यूअर्स। हमारे इस साइड में यहाँ पे है कन्वेंशन सेंटर, वो आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर मेरे साथ व्लॉगिंग में है मिस्टर आरिफ, मेरा पीछा करते हुए, बहुत ही दिनों से तंग आ गया हूँ इनसे, बट छोड़ नहीं रहे हैं। इन्होंने ये जिद ले ली है अपने पेट के साथ के पेट को अगर कम करना है तो साइकिलिंग से ही कम होगा। आरिफ का भी ये कहना है, मुझे भी लगता है कि अगर आप लोगों को JNU कैंपस अच्छे से दिखाना है तो अंदर गलियों में चलते हैं। यहाँ छोटी छोटी गलियाँ बहुत अच्छी हैं। वेदर वैसे आज बहुत अच्छा था, थोड़ी हवा वगैरह चल रही थी, तो मैंने और आरिफ भाई ने तभी ये डिसाइड किया कि भाई अपने लोगों के बिना कैंपस घूमना अधूरा है। बहुत से पुराने लोग जो JNU से निकल चुके हैं, चले गए हैं, एलुमनाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर वर्क कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। वो भी ये चाहते थे कि कैंपस की याद को हम लोग वापस लाना चाहते हैं। उन सब लोगों के लिए भी ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी एक रिमाइंडर मिल जाए। ये है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है भाई, JNU का ही एक डिपार्टमेंट है। आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स आ रहे हैं कुछ कुछ यहाँ पर। यहाँ की भी वॉल्स अगर आप लोग देखोगे तो एकदम से पूरी लिखी हुई हैं, भरी पड़ी हैं लिखाई से। क्या लिखा है, UAPA, NRC, CA और इस्लामोफोबिक। हाँ, ये है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का सेकंड डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के नीचे जो पार्किंग है ना, मतलब एकदम मस्त है। हम लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। ऐसे साइकिल स्टैंड आपको हर जगह मिलेंगे JNU में। ये साइकिल स्टैंड्स हैं लगे सही, मगर ना JNU वालों ने इनकी दुकान चलने नहीं दी अच्छे से, क्योंकि JNU में हर बंदे ने अपनी ओन साइकिल्स रखी हैं, इसलिए ये चीज़ें कामयाब नहीं हो पाई। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, लाइब्रेरी हो गया जैसे, ये सब चीज़ें जो हैं रिंग रोड के अंदर है सब कुछ। JNU में अगर आप लोग आओगे तो आपको ऑब्वियसली ऐसा फील ज़रूर होगा कि हम किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जंगल ऐसा ही है। देखो कितना ब्यूटीफुल है भाई ये रास्ता जा रहा है। ये 100 मीटर लगा हुआ है, ये आप लोगों को अगर बोर्ड विजिबल होगा, इस 100 मीटर का ये मतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग JNU स्टूडेंट्स की जो वन ऑफ द कॉमन एंड फेमस थिंग प्रोटेस्ट, आप लोग इस 100 मीटर के बोर्ड के अंदर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इफ़ यू आर प्रोटेस्टिंग विद इन द सर्कल ऑफ 100 मीटर्स, दैट मीन्स यू आर वायोलेटिंग द दिल्ली हाई कोर्ट गाइडलाइंस। सो हम लोगों को इस 100 मीटर्स के बाहर बाहर रह के प्रोटेस्ट करना है। बहुत बार हुआ भी है, उसको वायोलेट भी किया गया है, होते रहते हैं एक्शन छोटे मोटे। ये है हम लोगों की सेंट्रल लाइब्रेरी, वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन JNU, एकदम रिंग रोड के सेंटर में है ये, देख सकते हो आप लोग। अभी लाइब्रेरी जो है ऑन है वैसे, मगर ओनली वन सेक्शन। हम लोगों का जो रूट है वो हम लोगों ने यही चूज़ किया, हम SSS 3 से आए थे, SSS 1 की तरफ जाएंगे, वहाँ से होकर SSS 2, देन SL स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से होकर रिंग रोड की तरफ। लाइब्रेरी में जस्ट चक्कर लगाने, एक दिन में एक चक्कर तो बनता है भाई, मिनिमम है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज 1, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज 2 का डिपार्टमेंट जो है वो ये है वैसे, पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट। जो भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। मैं जा रहा हूँ पानी पीने, क्योंकि साइकिलिंग करते प्यास तो लग ही जाती है। ये है SSS 2 का डिपार्टमेंट, यहाँ पे है पॉलिटिकल साइंस और
जाकिर हुसैन सेंटर एजुकेशन स्टडीज़ के लिए। बाकी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये नीचे इसके है कैंटीन और साथ में है ज़ीरोक्स शॉप, बहुत ही फेमस प्लेस है ये भाई। हम लोग यहाँ पे जब टाइड हो जाते हैं क्लासेस लगा के, क्योंकि क्लासेस चलती हैं एकदम दमादार, उसके बाद यहाँ पे पीते हैं चाय या अपनी रीडिंग्स वगैरह लेकर थोड़े टाइम के लिए पढ़ लेते हैं। चलते हैं अभी हम लोग रिंग रोड में। ऑब्वियसली आप लोगों को पूरा रिंग रोड दिखाना है और ट्रिपल एस का डिपार्टमेंट अंदर से कुछ ऐसा है। अभी हम लोग जा रहे हैं रिंग रोड में, टाइम काफ़ी हो चुका है, अच्छे से लगाएंगे चक्कर रिंग रोड के। पूरे दिन को लोग हॉस्टल्स में बैठे बैठे तंग, अभी निकल चुके हैं, ये देख लो रोडों पे निकल चुके हैं वर्कआउट करने के लिए। वैसे आप लोगों को मैं बताऊं, JNU कैंपस तो बहुत बड़ा है यार, 1100 एकर्स लैंड के अंदर में है ये, और इसमें जो है ऑलमोस्ट भाई 7 से 8 गेट्स हैं, एक्चुअली 8 गेट्स। जो लोग कैंपस के हैं उनको ज़्यादातर पता रहता है, बट कुछ लोगों को नहीं भी पता है। वैसे इट वॉज अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन वंस व्हेन आई वॉज न्यू स्टूडेंट इन JNU कि JNU के कितने गेट हैं। अगर देखें तो 2 गेट जो हैं दामोदर हॉस्टल वाली साइड में, ये जो बोलती रहती है हर वक्त मेरे इंटरव्यूज़ में भी तंग करती है, ये वो मोर है, मोर पीकॉक। सो यहाँ पे जो है दामोदर हॉस्टल वाली साइड आ गए 2 गेट, एक गेट आ गया IMC वाला, एक गेट आ गया ICSSR वाली साइड जो जाता है, जिसको NIPGR वाला गेट भी बोल रहे हैं, एक आ गया मॉल रोड वाला गेट जो मॉल वाली साइड खुल रहा है, फिर आ गया नॉर्थ गेट, सरस्वतीपुरम गेट, तो 8 गेट हैं कुल मिला के। सोचता हूँ आप लोगों को 8 के 8 गेट दिखाऊंगा, क्योंकि साइकिलिंग तो वैसे भी करनी है मुझे, और सारी डायरेक्शंस में हम लोग चलते हैं। अगर सारी डायरेक्शन में चल रहे हैं आप लोगों को भी बताएंगे क्या क्या आता है रास्ते में। जैसे ये देख लो JNU कैंपस के बिल्कुल साथ में कुछ एफिलिएशन भी है कैंपस की इसके साथ, ये है IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मॉस कम्युनिकेशन। इस रोड को वैसे दामोदर रोड कहते हैं। दामोदर हॉस्टल बहुत ही अच्छा हॉस्टल है भाई, मैंने वहाँ पे अपनी स्टूडेंट लाइफ के 4 साल गुजारे हैं, तब बहुत खाली खाली होता था, आजकल वहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को छोड़ दिया है। पूरी दिल्ली की कंपेरिजन में 1-2 डिग्री जो है टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम होता है JNU में। क्यों? क्योंकि भाई इतने सारे पेड़ जो हैं, आप लोग देख सकते हो कितने पेड़ हैं एकदम से। ये जो है हम लोगों का वाइस चांसलर का ऑफिस है, VC लॉज, उसके बाद मेरा पुराना घर, वो है मेन रोड, आप लोगों को दिख रही होगी बाहर गेट है, मेरा पुराना घर दामोदर हॉस्टल। दामोदर हॉस्टल वाली साइड तो जाऊंगा ही जाऊंगा, एकदम जाना बनता भी है, जंप बहुत है। इसीलिए आज अगर आप लोगों को मैं व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा हिलता दिख रहा हूँ, तो दैट मीन समझ लो रोड थोड़ी थोड़ी बीच में ख़राब है। हम लोगों ने अप्लाई किया कि रोड साफ़ हो जाए। दामोदर हॉस्टल की तरफ ये रोड जा रही है, यहाँ से एक शॉर्टकट जाता हम लोगों को, जिससे मैं अक्सर जाता रहता था, वो है JNU स्टेडियम। आजकल वो रास्ता शायद मुझे लग रहा है बंद हुआ है। इसके एकदम बाहर अगर आप लोग देखोगे सामने बिल्कुल IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, IIT दिल्ली जो है, और उसके साथ में बेरसराय है। बेरसराय में जो है आप लोगों को सबसे अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, पुरानी बुक्स जितनी आपको चाहिए, मतलब जो भी स्टूडेंट UPSC के लिए पढ़ना चाहते हैं उनको अगर कहीं से बुक्स नहीं मिलेंगी तो दामोदर हॉस्टल के इस गेट से बाहर चले जाओ, एकदम शानदार सेकंड हैंड बुक्स मिल जाएंगी आप लोगों को UPSC के लिए। और यहाँ से बाहर एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोग ज़्यादातर जाते रहते थे, मेज़बान रेस्टोरेंट, जिसको सेक्लूर हाउस कैंटीन भी कहते हैं। वहाँ पर अगर हम लोग अपना ID कार्ड दिखाते हैं JNU के स्टूडेंट, तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है अपने को खाने में, बहुत है यार 10% डिस्काउंट कम होता है। चलिए अंदर एक छोटा सा रोन तो बनता है अगर इतने टाइम बाद आए। वाओ, इतने टाइम बाद यार, यहाँ पे होता था आपके भाई का जो रूम है ना, वो होता था यहाँ पर। आह हाँ हाँ, पुरानी यादें ताजी हो गई आपके भाई की। रूटीन था जिनको सर्फ एक्सेल नहीं मिलता था कपड़े धोने के लिए, मैस से भी चुरा के ले जाते हैं। हाँ, मैंने भी बहुत बार किया है, सर्फ एक्सेल जब खत्म हो जाता था तो यहाँ पे कितना हैंड वॉश लोगों को देंगे, पूरा नहीं होता, इसलिए सर्फ एक्सेल रखते हैं हाथ धोने के लिए। अगर आप लोग कपड़े धो रहे हो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, आपके कपड़ों के लिए सर्फ एक्सेल खत्म हो चुका है, तो यहाँ से उठा के लेके चले जाते थे हम लोग, पर ज़्यादा अब यह आदत छोड़ दिया है, क्योंकि सोचते हैं कितनी ज़्यादा चोर ज़्यादा देर भाग नहीं सकता, इसलिए हम भी रुक गए हैं। आरिफ का कहना है जल्दी चलते हैं, ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में गेम स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले कि गेम स्टार्ट हो हम लोग ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में पहुंच जाने चाहिए, इसलिए आप साइकिल की रेस को बढ़ा लेते हैं।
बताने जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जो JNU का हर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। और हाँ, शक की कोई बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी है वो हम सब लोगों के लिए, वो है यहाँ का PSR रॉक, पार्थासारथी रॉक। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये प्लेस हम लोगों के लिए? इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है स्टडी इट्स नॉट जस्ट द स्टडी, स्टडी करोगे तो भाई खाली स्टडी में बर्बाद हो जाओगे। इसलिए ये है पार्थासारथी रॉक्स का गेट, PSR का गेट। यहाँ पर हम लोग जाते हैं थोड़ा इंजॉय करने, पार्टी करने, बर्थडे पार्टी, ऐसे जनरल पार्टी हो गया। इट्स एक्चुअली स्टडी प्लस रोमांस थिंग। गेम स्टार्ट होने वाली है, आसिफ भाई हम लोगों का वहाँ पे वेट कर रहे हैं, चलते हैं। आई थिंक मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया है मॉल गेट की तरफ, फिर कभी आपको लेके चलेंगे। और भी IMC का गेट भी है, बाकी और भी बहुत सारा एरिया यार, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पूरे कैंपस में एक दिन में घूमना। बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं, एक्सरसाइज भी हो चुकी है अच्छे से, कैंपस को भी घूम लिया है काफ़ी अच्छे से। जो चीज़ें रहती हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को फिर से बताएंगे। आई होप आई एम एबल टू शो सम ग्लिम्स ऑफ द JNU कैंपस टू ऑल ऑफ यू। सी यू नेक्स्ट, अगले व्लॉग में आप लोगों को मिलते हैं फिर से। टिल देन सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, घरों में सेफ रहो, इंजॉय करो अच्छे से, और जाते जाते अपने भाई के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और मुझे इस नीचे दिए गए Instagram पे ज़रूर फॉलो करें।